हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है टेंस से। टेंस के अंदर आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब किस तरह से भरनी है उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा मैं आज आपको। आपकी जो गोल्डन ट्रेज वाली बुक है उसके अंदर से ये है क्लास टेंथ के लिए। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज के ऊपर। वो किस तरह से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप पहचानोगे वो साथ के साथ आपको बताऊँगा मैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, द लास्ट ट्रेन लीव एट मिडनाइट। ये जो कोष्टक के अंदर आपको वर्ब की जो वर्ब दी हुई है उसकी सही फॉर्म आपको यहाँ पे भरनी है, यानी कि उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसकी सेकंड फॉर्म आएगी, या थर्ड फॉर्म आएगी, या पास्ट पार्टिसिपल या जिरंड जिस तरह से यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके से कौन सी फॉर्म आपको यहाँ पे भरनी है वो अपने को यहाँ पे डालनी है सही पता करके। पता कैसे करें कि कौन सी जो टेंस है, पहला तो टेंस कौन सा है ये पता अपने को नहीं होता है। टेंस पता चल जाए उसके बाद में अपन वर्ब की सही फॉर्म भर सकते हैं। तो टेंस पता करने के लिए देखिए, द लास्ट ट्रेन लीव एट मिडनाइट सेंटेंस को पढ़ने के बाद में अगर अपने को ऐसा लगे कि ये रेगुलर बेसिस पे काम हो रहा है तो समझना वहाँ पे टेंस आपका प्रेजेंट सिंपल है। तो यहाँ पे क्या भाव है, मतलब ट्रेन रोज़ अर्धरात्रि को यहाँ से जाती है, यानी कि ट्रेन रवाना होती है रोज़ अर्धरात्रि को, तो डेली का काम हो गया, रेगुलर हो गया, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और जब प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है तो प्रेजेंट सिंपल के साथ में अपन जब भी सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ करते हैं अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है, तो आई के केस में नहीं होगा, ये ध्यान रखना अपने को। आई के साथ में आपको एस एस नहीं लगाना है, बाकी अगर थर्ड पर्सन है एक वचन है तो उसके साथ में आपको एस एस वर्ब में लगाना है। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस से आपको पता चलेगा, अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो ये काम करना है आपको। देखिए तो क्या आंसर हो गया इसका, लीव का क्या हो गया, केवल आगे लगा दो बस एस, ये कोष्टक में यहाँ पे जो कोष्टक में दे रखा है उसके आगे एस लगा देना, ये अपना सही आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, द अर्थ मूव राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य राउंड चारों ओर मूव घूमती है। अब यानी कि सेंटेंस क्या कह रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो घूमती है का भाव आ गया और ये यूनिवर्सल हो गया, यानी कि जो सेंटेंस है उसमें ऐसा भाव हुआ है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कोई रूल हो, लॉ हो, तो वो प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस होता है। जब पता चल गया प्रेजेंट सिंपल है और द अर्थ यहाँ पे सिंगुलर है तो बताइए क्या लगेगा, एस लगेगा, तो आंसर हो गया मूव्स। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर जो है वो थर्ड पर्सन जो होते हैं उनके साथ में डज का यूज होता है, जबकि सेकंड पर्सन है या प्लूरल नाउन है उनके साथ में डू का यूज होता है, ये अपने को ध्यान रखना है इस टेंस के अंदर प्रेजेंट सिंपल के अंदर। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, आई कम फ्रॉम जोधपुर, मैं जोधपुर से आता हूँ, यानी मैं जोधपुर से हूँ, और आप कहाँ से हो, कहाँ पे आया है, यहाँ पे कहाँ से मतलब है, आपको डू या डज का यूज़ करना, लेकिन यू के साथ में आपको पता है डू का यूज़ होता है तो डू का यूज़ हो जाएगा, और आपकी जो वर्ब है यू के साथ में ऐसे ऐसे नहीं लगेगा इसलिए कम का कमी आ जाएगी, ये भी आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है। उसके बाद में अगला सेंटेंस देखिए, वी वर्क नॉट वर्क ऑन सैटरडे, हम शनिवार को काम नहीं, अब हम शनिवार को काम नहीं, यानी कि ये रेगुलर हो गया, यानी कि हर शनिवार को काम नहीं होता होगा, छुट्टी रहती होगी, कुछ भी हो, लेकिन नॉट वर्क है तो वी के साथ में क्या आ जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे डू का यूज़ करेंगे, वी डू, बस केवल डू लगा दीजिए, ये सेंटेंस हो गया, वी डू नॉट वर्क ऑन सैटरडे, आंसर हो गया अपना। अगला सेंटेंस है कि जून सीम रादर टायरिंग टुडे, कुछ नहीं दिमाग लगाना, जब भी आपको दिख जाए रादर आपको यूज़ करना है प्रेजेंट सिंपल के लिए, प्रेजेंट सिंपल पहचानना है, और जोन क्योंकि सिंगुलर है तो सेम के आगे क्या लगाओगे, एस या ई एस, तो यहाँ पे सेम के आगे एस लगा दोगे, ये आंसर हो गया सीम्स। उसके बाद में हाउ ओफन, हाउ के साथ में सेंटेंस है और पीछे जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो अपने को क्या करना है, डू या डज का यूज़ करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यू आ रहा है तो यहाँ पे देखेंगे यू से पहले डू, अपने यू के साथ में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डू का यूज़ होता है, और
SAES का यूज़ नहीं होता है, ध्यान रखना। तो हाउ ऑफन यू गो टू द डेंटिस्ट, इस तरह से ये आंसर हो गया अपने को। अपने को सेंटेंस जो है पहचानना है कि वो कौन से टेंस का है, उसके बाद इजीली आप भर सकते हो। और हिंट क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, इसके अंदर रेयरली हिंट है, रेयरली जब भी आ जाए समझना प्रेजेंट सिंपल है। और प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही भरते हैं, लेकिन आई के केस में नहीं भरते हैं। यहाँ पे आई है तो आई के केस में नहीं भरेंगे, कैरी है सीधा, यानी कि ऐसा का ऐसा ही रहेगा, कैरी ही रहेगा। उसके बाद में ए म्यूजिशियन, म्यूजिशियन एवरी डे, एवरी डे आ जाए तो समझना ये भी प्रेजेंट सिंपल डेली का है, रेगुलर है, ऑलवेज है, डेली है। तो इस तरह के सेंटेंस में अपन प्रेजेंट सिंपल मान के चलते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल होता है। म्यूजिशियन प्रैक्टिस ई लगा हुआ है, केवल एस का यूज़ करना है आपको, ई एस लगा दो, प्रैक्टिस एवरी डे, बस ये प्रेजेंट सिंपल आपका सेंटेंस हो गया। ऑलवेज आ गया, पता है ईजी ही लेकिन आ रहा है तो ऐसे ही लगेगा, तो वर्क्स लगा दो, हो गया आंसर आपका। फैमिली प्लानिंग, अब योजना कोई बहुवचन नहीं, उसको आप योजना जो है वो काउंट नहीं कर सकते आप, एक इस तरह से सिंगुलर माना जाता है। तो फैमिली प्लानिंग रियली मीन, मीन के साथ लगा दोगे एस मीन्स। तो इस तरह से आपके ये एक्सरसाइज है, बहुत इजीली आप चार नंबर की एक्सरसाइज आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आती है, आप आसानी से कर सकते हैं। एक बार मैं समरी के तौर पर आपको वापस बताता हूँ कि प्रेजेंट सिंपल आपको कैसे पहचानना है। अगर आपको रेगुलर बेसिस पे काम दिखे, कोई रेगुलर हो, ऑलवेज हो, डेली हो, नियम हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तब आपको प्रेजेंट सिंपल मानना है। और नाउन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हुए एस ए एस लगाना है। अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही सी किसी का नाम आ जाए, एक वचन हो, तो उसके केस में इस तरह से आप आसानी से अपने वर्ब की एक्सरसाइज जो है वो टेंस के अंदर पढ़ सकते हो। साथ के साथ मैं बहुत जल्दी दूसरे टेंस की एक्सरसाइज और छोटे छोटे एक्सरसाइज आपके लिए लेके आऊँगा, जो स्कोरिंग होगी और बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको बहुत लाभ करेगी। तो इसके लिए आप मेरे इस चैनल को